हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो सामान्य हिंदी पार्ट है, आपके सिलेबस में सामान्य हिंदी पार्ट है, उसके कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं और ये है एमसीक्यूज़ नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने एमसीक्यूज़ के 5 पार्ट कर लिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा हुआ तो वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के एमसीक्यूज़ का टॉपिक है समास, और आज हम समास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके समास को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि आपके परीक्षा में किस तरह से समास के जो प्रश्न हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर हम लोग कुछ 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे और देखेंगे, बहुत तेज़ी से समास को समझेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि समास, एक लाइन में देख लेते हैं समास क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। ठीक है, समास का मतलब होता है संक्षेप, किसी चीज़ को जोड़ करके उसको संक्षेपित कर दिया जाता है। समास प्रक्रिया में दो शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, दो शब्द या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनको एक ही शब्द में बदल दिया जाता है। ठीक है, उनको मिला करके एक ही शब्द में बदल दिया जाता है, उसका संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। तो ये कुछ समास के प्रकार हैं, थोड़ा सा एक एक लाइन में इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में शब्द का जो पूर्व पद है वो प्रमुख होता है। ठीक है, वो प्रधान होता है और जो बाद का पद है वो प्रधान नहीं होता है। पहले पद के हिसाब से ही शब्द का अर्थ जो है वो तय होता है। मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको। जैसे एक एग्जांपल है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है, प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। ठीक है, प्रत्येक दिन इसका अर्थ होता है। तो जो इसमें दिन शब्द है वो प्रमुख नहीं है, वो एक कॉमन शब्द है, और ये जो प्रत्येक शब्द है उसी से इस शब्द का अर्थ तय हो रहा है। प्रत्येक दिन यानी कि प्रति जो है इसमें प्रधान पद है, प्रति जो है प्रधान पद है और दिन जो है वो एक कॉमन पद है। तो इसका प्रथम पद जो है प्रधान है, इस वजह से इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल जैसे है प्रतिकूल, मान लीजिए। ठीक है, प्रतिकूल, तो आपने सुना होगा अनुकूल प्रतिकूल। तो कूल जो है एक कॉमन शब्द है और प्रति, प्रति से इस शब्द का अर्थ तय हो रहा है। प्रतिकूल, इसके जगह अनु लगा देंगे तो अनुकूल। ठीक है, तो ये होता है अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका बाद का पद यानी कि उत्तर का पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर का पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें और क्या होता है, इसकी एक पहचान ये है कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर, तो कर्ता ने कर्म को, और इसके अलावा करण से इस तरह आगे और चलते जाता है से। तो ये जो चिन्ह है ने को से, इन सभी को कारक चिन्ह कहा जाता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं कारक चिन्ह के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब वो लोप कैसे होता है, यानी कि उनका वो विलोपित हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे करके दिखाता हूँ। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल है यहाँ पर गगन चुंबी। ठीक है, गगन चुंबी। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गगन को, ठीक है, गगन को चूमने वाला। ये तो आपको पता ही होगा, गगन को चूमने वाला। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, ये को का, को जो है वो शब्द विलोपित हो गया है, को गायब हो गया है इसमें, गगन को चूमने वाला इसमें गायब हो गया है, को शब्द गायब हो गया है और ये बन गया है गगनचुंबी। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल और देख लीजिए, धनहीन। एक एग्जांपल है धनहीन। धनहीन का अर्थ क्या होता है, धन से हीन, ये होता है धनहीन। तो इसमें से विलोपित हो गया है। तो इस तरह जो कारक चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं उसमें जो होता है तत्पुरुष समास होता है। तो इसका एग्जांपल भी मैंने दे दिया, आप समझ गए होंगे। धन इसमें एक कॉमन शब्द है और हीन इसमें मेन शब्द है। हीन से ही, धन तो एक कॉमन शब्द है जान ही रहे हैं, हीन से इस शब्द का अर्थ तय हो रहा है, इस वजह से ये प्रधान पद होगा। तो तत्पुरुष समास में बाद का पद प्रधान होता है और पहला पद कॉमन होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। नेक्स्ट जो है कर्मधारय समास, उसको देखते हैं। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो दो पद होते हैं, दो पदों में उपमेय और उपमान का जो है विशेषता पाया जाता है। उपमेय उपमान क्या होता है, उपमेय उपमान का मतलब होता है एक पद जो है
विशेषण होता है। विशेषण यानी किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और दूसरा शब्द होता है विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। ये तो विशेषता हो गया, और ये जिस भी वस्तु की या जिस भी किसी की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो इसमें जो दो पद होते हैं उसमें से एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं चरण कमल, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब चरण कमल का अर्थ क्या होगा? कमल के कमल जैसा चरण, ठीक है, इसका अर्थ ये होगा कि कमल के समान चरण, यानी किसी का चरण कैसा है? कमल के समान कोमल है। तो इन दोनों में विशेषता और विशेष्य का संबंध हो गया। ये जो है विशेषता है कमल के जैसा, और ये विशेष्य है यानी चरण की विशेषता बताई जा रही है कमल। तो यहाँ पर हो जाता है कर्मधारय समास। आई होप आप कर्मधारय समास को भी समझ गए होंगे। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास सबसे सरल इसमें है। द्विगु और द्वंद्व, ये दोनों समास आपके लिए बहुत सरल हैं और आप इनको पहले से जानते भी होंगे। द्विगु में क्या हो जाता है? द्विगु में किसी भी संख्या का वहाँ पर उद्धरण हो जाता है, जैसे 4, 5, 6, कोई भी संख्या उसमें शामिल होता है। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक शब्द है नवरात्र। नवरात्र में यहाँ नव का अर्थ ये जो 9 है वही होता है ना, इस वजह से द्विगु समास नवरात्र जो है द्विगु समास हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, त्रिकोण। त्रिकोण में स्त्री का क्या मतलब है? 3 है, स्त्री का मतलब है 3, इस वजह से यहाँ द्विगु समास होगा। अब नेक्स्ट आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो दो पद होते हैं वो उनका वेटेज आपस में बराबर होता है, वो आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे कि एक शब्द है, एक कॉमन बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है माता पिता। माता पिता में क्या होता है? माता और पिता दोनों का मोल बराबर है, ठीक है। उसके बाद एक देखते हैं, एक कहा जाता है रुपया पैसा। तो पैसा का मतलब यहाँ वो एक पैसा दो पैसा नहीं है, पैसा यानी धन, रुपया यानी भी यहाँ इसका मतलब है धन। तो रुपया पैसा दोनों का वेटेज यहाँ पर बराबर है, इस वजह से यहाँ द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए, जैसे कि देश विदेश। तो देश विदेश में देश विदेश दोनों का वेटेज समान है, मतलब यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बहुव्रीही समास, ठीक है। तो बहुव्रीही समास क्या होता है? बहुव्रीही समास में होता है कि जिस जैसे एक पद है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेता हूँ, लंबोदर, ठीक है। लंबोदर इसका अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, उदर अर्थात पेट, यानी जिसका पेट काफ़ी बड़ा है उसको क्या कहते हैं? तो लंबोदर का तो अर्थ ये हुआ कि जिसका पेट बड़ा है, लेकिन इसका अर्थ असल में कुछ और होता है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं इसको भगवान गणेश के लिए, तो लंबोदर किसी और के लिए यूज़ होता है, भगवान गणेश के लिए, इस वजह से इसका अर्थ गणेश हो जाता है। तो यही होता है बहुव्रीही समास में, अर्थ कुछ और होता है लेकिन उसका मायने कुछ और ही होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम पंकज। पंकज का अर्थ होता है पंक, यानी कि कीचड़ में पैदा होने वाला, पंक धन ज, पंक में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये होता है। लेकिन पंकज किसको कहते हैं? पंकज कहते हैं हम कमल को, ठीक है, कमल को हम पंकज कहते हैं। तो पंकज का अर्थ तो होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन इसका जो अर्थ हम लगाते हैं वो लगाते हैं कमल से, इसका अर्थ कुछ और ही हो जाता है, कमल हो जाता है। तो यहाँ बहुव्रीही समास होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि लंबोदर है, दशानन है, दशानन मतलब 10 सिरों वाला, लेकिन उसका अर्थ होता है रावण, चक्रपाणि, ठीक है, जिसके हाथों में चक्र है, लेकिन उसको हम कहते हैं भगवान विष्णु। तो इस तरह से इसका अर्थ जो है कुछ और ही लगा लेते हैं उसको, वहाँ पर होता है बहुव्रीही समास। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको कुछ आसान शब्दों में समझ लिए। अब इसका MCQ हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, देवासुर में कौन सा समास है? देव असुर, यहाँ आप देख सकते हैं देवासुर को अलग अगर अलग अलग किया जाए तो ये हो जाएगा देव और असुर। तो यहाँ पर देव असुर दोनों का वेटेज जो है एक समान है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे करके देख सकते हैं आप कितना पहचान पाते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व में मैंने बताया क्या होता है, दोनों का वेटेज बराबर होता है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर का अगर अर्थ निकाला जाए तो ये हो जाएगा
देश का अंतर। तो यहाँ पर क्या हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो का है कारक चिन्ह है उसका लोप हो गया है, कारक चिन्ह यहाँ विलुप्त हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, मुख दर्शन में कौन सा समास है। यहाँ आपको बताना है मुख दर्शन में कौन सा समास है। अगर मुख दर्शन का समास विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, मुख दर्शन का हो जाएगा मुख का दर्शन। तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कारक चिन्ह का विलोप हो गया है, यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो अभी मैंने बहुव्रीहि समास समझाया था कि जिसमें क्या होता है, जिसमें उसका अर्थ कुछ और होता है लेकिन उसे किसी और नाम से हम जानते हैं, जैसे कि बहुव्रीहि समास, या जैसे मैंने एग्जांपल दिया था दशानन यानी कि दस सिरों वाला, लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम, रावण को दशानन बोलते हैं, यानी कि दशानन वर्ड सिर्फ रावण के लिए ही यूज़ किया जाता है। चक्रपाणि, चक्रपाणि जिसके हाथों में चक्र है, लेकिन चक्रपाणि सिर्फ भगवान विष्णु के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। आपके ऑप्शन है निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन और पुरुष सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो वाला आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी पंचानन। ठीक है, पंचानन यानी कि पांच सिरों वाला, और इसको आई थिंक जो है भगवान विष्णु को पंचानन कहा जाता है। तो ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशाचर, निशाचर। अब आपको बताना है निशाचर इन चारों में से कौन सा समास है, क्या अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, नंग समास है या फिर बहुव्रीहि। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आया है नंग समास, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। नंग समास क्या होता है, जिसमें नकारात्मक शब्द होता है। ठीक है, जो निषेधात्मक या फिर नकारात्मक शब्द होते हैं वहाँ पर आपका हो जाता है नंग समास। जैसे जिन शब्दों के शुरू में अ लगा होता है, या फिर अन लगा होता है, या फिर न, ना, गैर, इस तरह के जो शब्द हैं वो लगे होते हैं, तो वहाँ पर न समास होता है। जैसे एक एग्जांपल में बता देता हूँ, अनिष्ट, जहाँ नकारात्मक चीज़ें आती है या निषेधवाद, अनिष्ट, अनिष्ट यानी न इष्ट यानी कि बुराई जहाँ पर हो रही है, और है अनावश्यक, अनावश्यक जहाँ आवश्यक नहीं है, तो यहाँ अन आ गया अन, तो वहाँ पर न समास होता है। ठीक है, तो ये निशाचर में कौन सा समास होगा, निशाचर में जो है आपका समास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में बहुव्रीहि समास। ये क्यों होता है मैं बताता हूँ, निशाचर, निशाचर का अर्थ होता है रात में घूमने वाले, चर यानी घूमना, रात में घूमने वाले, लेकिन निशाचर हम बोलते हैं किसको हैं, निशाचर हम बोलते हैं राक्षस को, तो निशाचर का अर्थ राक्षस हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 56, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से समझा भी कि जहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहाँ पर हो जाता है कर्मधारय समास, ये उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से एक शब्द द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु, मैंने द्विगु समास का एग्जाम्पल बताया था, जहाँ गिनती, जहाँ नंबर होते हैं 4, 5, 6, 7 जो भी नंबर होते हैं वो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सप्ताह, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। ठीक है, यहाँ 7 शब्द आ गया, मतलब कि वहाँ पर द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यहाँ पे जो परमेश्वर है वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। तो कर्मधारय समास का भी मैं एग्जांपल मैंने दिया हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, अनायास में कौन सा समास है, अनायास में न समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। मैंने अभी अभी बताया कि जिन शब्दों में ज़्यादातर जो है अन इस तरह के जो शब्द लगे होते हैं, निषेधात्मक शब्द, वहाँ पर न समास होता है। तो अनायास उसी तरह का एक शब्द है, अनायास, अन इसमें लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर न समास होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 60 जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है विद्यार्थी में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीही या फिर द्विगु। तो यहाँ जो विद्यार्थी शब्द है वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास जो है विद्यार्थी में होगा। विद्यार्थी का जो अगर समास विच्छेद किया जाए तो ये हो जाएगा विद्या धन अर्थी, अर्थी मतलब कि उसका ग्रहण करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। विद्या अर्थी, अर्थी का मतलब है उसको ग्रहण करने वाला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप, और आज का जो टॉपिक था वो था समास। तो आई होप आपको जो है एमसीक्यूज के माध्यम से समास को थोड़ा सा समझने में यहाँ पर मदद मिली होगी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।